इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ और INN7 में आप सभी का खैर मकदम। बेंगलोर शहर में फसाद बरपा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को लेकर गुस्साई भीड़ ने एहतजाज किया तो पुलिस फायरिंग में 3 की मौत। खैर, सोशल मीडिया पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले पोस्ट के खिलाफ आवाम ने ज़बरदस्त एहतजाज किया। एहतजाज तशद्दुद में तब्दील हो गया। गुस्साई भीड़ ने तौहीन आमोज फेसबुक पोस्ट करने वाले शख्स को गिरफ्तार करने की मांग की। लिहाजा हासिल इत्तला के मुताबिक नवीन नामी फिरका पर शख्स को गिरफ्तार किया गया जो कांग्रेस एमएलए अखंड श्रीनिवास मूर्ति का भांजा है। गुस्साई भीड़ ने एमएलए श्रीनिवास मूर्ति के घर पर भी हमला किया। तशद्दुद बेंगलोर के जे हली और डी जे हली इलाके में वाक्य हुआ। कांग्रेस एमएलए श्रीनिवास मूर्ति ने आवाम से माफी मांगते हुए जिसने भी इस वारदात को अंजाम दिया है उस पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। वारदात की जगह पर कांग्रेस के मुस्लिम लीडर रिजवान अरशद और जमीर अहमद ने आवाम को अमन बरकरार रखने की मांग की। पर आवाम का कहना यह था कि हम हर चीज को बर्दाश्त कर सकते हैं पर नबी की शान में गुस्ताखी कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। लिहाजा एहतजाज तशद्दुद में तब्दील हो गया और पथराव आगजनी की वारदात अमल में आई। 5,000 की भीड़ काबू में नहीं आई जिस पर गोलियां बरसाई गई जिसमें 3 अफरादों की मौत हुई। आज सुबह जब घर वालों ने मीडिया से बात की तो उन्होंने बताया कि जिस नौजवान पर गोलियां चलाई गई वो फसाद में शरीक ही नहीं थे बल्कि बाजार से घर वापस लौट रहे थे। गुस्ताखी रसूल की गिरफ्तारी की मांग करने वाली भीड़ ने पुलिस पर भी पथराव करने की खबर हासिल है जिसमें 30 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं और एक पुलिस अफसर भी शदीद जख्मी हुआ है। अब तक 110 लोगों को फसाद बर्पा करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। हासिल इत्तला के मुताबिक नवीन पी नामी शख्स कांग्रेस एमएलए अखंड श्रीनिवास का भांजा है जो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है। अब इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन आमोज पोस्ट करने से अवाम में गुस्से की लहर उठी। लिहाजा हजारों लोग सड़क पर उतर आए। इनका मुतालबा था कि नवीन नामी शख्स जो हमेशा तौहीन आमोज पोस्ट करता है इसे गिरफ्तार किया जाए। हजारों की भीड़ ने पुलिस थाने को घेर लिया और देखते देखते एहतजाज तशद्दुद में तब्दील हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक कई मोटरसाइकिल कारों और पुलिस जीप को नजर आतिश किया गया। उधर एक और गुस्साई भीड़ एमएलए अखंड श्रीनिवास मूर्ति के घर पर पहुंचकर तोड़फोड़ और आगजनी फरमाई। रिजवान अरशद और जमीर अहमद की बात का भी अवाम पर कोई असर नहीं रहा। नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे के नारे लगाए जा रहे थे। रियासत वजीर आर अशोक ने कहा कि जिसने भी तौहीन आमोज पोस्ट किए है उसे गिरफ्तार किया पर साथ में उन लोगों पर गुंडा एक्ट लगाया जाएगा जिन्होंने पुलिस थाने पर पुलिस मोहकमा पर पथराव किया और पुलिस गाड़ी को आग लगाई। हालात काबू में है और आज किसी तरह की अनहोनी खबर हासिल नहीं हुई है। डीजे हल्ली कीजे हल्ली इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया। अब सवाल यह उठता है कि क्या इसके पीछे सियासत है? क्या मुस्लिम समाज को उकसाने की साजिश की गई? आखिर बार बार एक ही समाज को निशाने पे क्यों लाया जाता है? किस सियासी पार्टी का इसके पीछे हाथ है? कौन है अमन के दुश्मन जो इस तरह शहर को सुलगता रखकर सियासी रोटियां सेकना चाहते? सिर्फ दंगाइयों को गिरफ्तार कर, सिर्फ तौहीन आमोज पोस्ट करने वाले अफराद को गिरफ्तार कर मामले को ख़त्म ना करें, क्योंकि अब मुकम्मल सियासी तस्वीर ने अपना रुख बदल ही लिया है। पूरे मुल्की सतह पर अगर देखें तो जुनूबी हिंद में फिरका परस्ती पांव फैला रही है। सिवाय मजहबी तशद्दुद के यहाँ पर हुकूमत करना मुश्किल है। उत्तर भारत में इख्तदार पसीर हुकूमतों को किस तरह की सियासत करना मालूम है। तो जिम्मेदारी इंतजामिया पुलिस मोहकमा पर दुगनी हो जाती है जहाँ पर कोरोना जैसे महामारी से जूझता समाज इसमें जानबूझकर किसी समाज के जज्बात को उकसाने वाले तौहीन आमोज पोस्ट करना यकीनी तौर पर साजिश है। लिहाजा टहनियों को काटने से फसाद के दरख्त की जड़ को ही ढूंढकर कार्रवाई की मांग आवाम की जानिब से की जा रही है। बेरोजगारी, महंगाई, ठप कारोबार, बंद दुकानों से आवाम परेशान है। लिहाजा नफरत का जहर फैलाने वालों की तलाश फौरी तौर पर करें। पी नवीन नामी फिरका परस्त को गिरफ्तार किया गया है पर सिर्फ अकेले की गिरफ्तारी पर तसल्ली ना करें, क्योंकि अब कुछ लोग इन्हीं कामों को अंजाम देकर माशरे में नफरत की आग को भड़काना चाहते हैं। जो भी हो, किसी समाज किसी धर्म का हो, जो ख्वाब फसाद के जरिए लोकतंत्र को खत्म करने का देख रहे हैं
इन पर कानूनी शिकंजा कसना जरूरी है, वरना यूपी की तरह कर्नाटक में भी जंगल राज हो जाएगा। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।